नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज बहुत दिनों के बाद इधर आना हुआ पार्लियामेंट के पास, तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी खबरें होती हैं, पत्रकारों का अक्सर यहाँ पर जमावड़ा रहता है। लेकिन आज एक खबर जो ज़बरदस्त चल रही है और ख़ास तौर से हाई लेवल की जो बातें चल रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि जो उनके राज्यसभा के मेंबर हैं जिन्होंने दो टर्म पूरे कर लिए हैं या दूसरे टर्म में चल रहे हैं, उन्हें इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए कहा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और इस लिस्ट में नाम किन के आ गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, कई लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं और इन सब से कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार रहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात तो मुझे इसलिए भी एकदम सही नज़र आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब तक लोकसभा के सदस्य ही थे, 2019 का चुनाव हारे तो फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए। इससे पहले जब उनके पिता का निधन हुआ था 2001 में, तो उस समय उनके निधन के बाद गुना लोकसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ से ये पहली बार चुनाव लड़े थे और उसके बाद सांसद बने थे और तब से लगातार सांसद रहते ही आए हैं। 2019 में पहली बार हारे ग्वालियर से, गुना से। अब स्थिति क्या है? अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा नई तरह की बातें आ रही हैं सामने। जैसे कि सबसे मेन चर्चा है धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से वो लोकसभा के सांसद रह भी चुके हैं। मेरे ख्याल में शायद 2009 में वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बाद से वो सांसद हैं राज्यसभा के, केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के फेवरेट हैं और उन लोगों में उनकी गिनती होती है जिनके कामकाज से नरेंद्र मोदी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा तो हो सकता है कि उन्हें उड़ीसा से लड़वाया जाए। यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प नाम जो इसमें चल रहा है वो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। अश्विनी वैष्णव IAS रहे हैं काफ़ी समय से, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बीजेपी के टच में हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी रहे, लेकिन अब रेलवे मिनिस्टर जब से नरेंद्र मोदी ने उन्हें बनाया तब से उनकी लोकप्रियता कुछ अलग लेवल पर चली गई है। हालांकि पिछले दिनों उड़ीसा में जो रेल का हादसा हुआ उसे लेकर अश्विनी वैष्णव पर बहुत सारे सवाल उठे, विरोधी दलों ने मांग की कि उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया और अभी तक उन पर भरोसा कायम है। अभी फ़िलहाल मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें अश्विनी वैष्णव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो शायद उन्हें राजस्थान में फोकस करके चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन IAS अफसर के तौर पर उन्होंने अपनी लंबी समय तक जो सेवाएँ हैं वो उड़ीसा में दी हैं, तो हो सकता है कि उन्हें उड़ीसा से मैदान में उतारा जाए। बीजेपी उनका प्रयोग उस स्थान पर करेगी जहाँ उनका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। जो सीट बीजेपी को लग रही हो कि ये सीट जीतनी आसान नहीं है, अश्विनी वैष्णव जैसे नाम वहाँ पर उतारे जाए। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर को चुनाव लड़वाए जाने की चर्चाएं भी लगातार चल रही हैं। आपको याद होगा कि उन्हें साउथ के स्टेट्स में विजिट के लिए भी लगातार भेजा जा रहा है, कुछ लोकसभा सीटों की भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, केरल भी गए थे वो। अब चूँकि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हैं, अब पता नहीं उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि उनकी जो क्या कहना चाहिए कि जो सारा जीवन गुजरा है, पढ़ाई हुई है, जो वो रहे हैं ज़्यादातर तो वो दिल्ली में रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली से उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाए। और इस तरह के डिप्लोमेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़वाने में नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहते। आपको ध्यान होगा कि हरदीप सिंह पुरी को भी चुनाव लड़वाया गया था लोकसभा का, वो अलग बात है कि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन फिलहाल स्थितियाँ जो बनती हुई नज़र आ रही हैं उसमें निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब लोगों का चुनाव लड़ना लगभग तय नज़र आता है। और घोषणा इसकी बाद में होगी कहां से किसको चुनाव लड़वाया जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो फिक्स है, गुना सीट है उनकी या फिर ग्वालियर, जिस क्षेत्र में उनकी रियासत है तो वहाँ पर उनका चुनाव लड़ना हो सकता है कि लगभग पक्का ही हो चुका हो। और उनकी जो ट्यूनिंग है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से शिवराज सिंह चौहान परेशान होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनके आने से परेशान नहीं है।
उन्होंने बढ़िया तरीके से उन्हें पार्टी में एडजस्ट किया है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि मध्य प्रदेश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले विधानसभा चुनाव होना है, उसमें बीजेपी की सरकार आती है या नहीं, शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती है या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस परफॉर्मेंस का भी दबाव है कि वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि अपने प्रभाव से बीजेपी को विधानसभा की सीटें भी जितवाएं और यहाँ से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनवाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। अलबत्ता धर्मेंद्र प्रधान वगैरह का तो कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कहीं से भी उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। उड़ीसा से तो उनकी सीट संभावना बनी रही है, उनके जातीय समीकरण भी वहाँ पर बढ़िया बताए जाते हैं। और दूसरे उड़ीसा में ज़्यादा ऐसा संघर्ष भी बीजेपी के सामने नहीं है, केवल बीजू जनता दल से ही टक्कर लेनी है वहाँ पर। कांग्रेस भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है वहाँ पर, तो बीजेपी के लिए चांसेस वहाँ अच्छे बन सकते हैं। और पिछली बार कुछ सांसद वहाँ से आए भी थे जीतकर, जैसे कि वो थे एक सारंगी, बहुत दीनहीन से थे, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता जिन्हें नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाकर सम्मान भी दिया था, हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। तो उड़ीसा नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर हमेशा रहता है, लेकिन सॉफ्ट एजेंडे पर। उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी के नेता उतना सख्त रवैया नहीं रखते जितना दूसरे गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों पर रखा जाता है। फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट खबर जो यही है, जो राजनीति के गलियारों में यहाँ चल रही है दिल्ली में, वो यही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेजी से की जा रही है और साथ ही साथ राज्यसभा के कुछ सांसदों को, कुछ सीनियर लीडर्स को ये कहा जा रहा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहिए। देखते हैं इसमें और किसका नाम जुड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जब अमेठी से स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हार गई थी राहुल गांधी से, तो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया था, लेकिन उनसे ये जरूर कहा गया था कि आप लोकसभा की तैयारी रखिए। और स्मृति ईरानी ने लगातार अमेठी में जाना अपना जारी रखा था, वो अमेठी में लगातार जाती रही थी, वहाँ पर कैंपेन करती रही थी, लोगों से संपर्क करती रही थी, और यही वजह थी कि 2019 में वो राहुल गांधी को हराने में सफल रही। तो ऐसा ही और भी नेता कर सकते हैं। हो सकता है कि इन सभी राज्यसभा के जो ये दिग्गज नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, एस जयशंकर बड़े फेमस हो चुके हैं इस समय, लोगों के बीच उनकी एक अलग ही रेपुटेशन बन सकी है, तो हो सकता है कि उन्हें किसी बड़े चेहरे के सामने, किसी बड़े नेता के सामने चुनाव लड़वाया जाए जहाँ पर बीजेपी को कोई सूटेबल कैंडिडेट ना मिल रहा हो। मुझे तो लगता है कि शायद एस जयशंकर को दिल्ली से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।